पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल में नाव पलटने से डेढ़ दर्जन लोग नदी में डूब गए। आपको बता दें कि नाव में सवार ग्रामीण गंगा पार अपने घरों को लौट रहे थे। इसी बीच नाव पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गंगा में डूब गए। गोताखोरों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें दो लोग अभी लापता हैं। पूरा मामला यूपी के संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ गंगा नदी के पास साकर पुल से एक नाव में करीब 18 ग्रामीण गंगा नदी के पार अपने घर जाने के लिए नाव में बैठे थे। बताया जा रहा है कि नाव में संख्या से अधिक लोगों के बैठने से वो अपना संतुलन खो बैठी और थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक नाव पलट गई। उसमें सवार सभी लोग डूबने लगे, जिससे वहां चीख पुकार मचने लगी। गंगा नदी के आसपास मौजूद गोताखोर मदद के लिए गंगा में कूद पड़े। इसी बीच सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। आनन फानन में लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू चला। कई घंटे बाद नाव में सवार 16 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जाने पर उन्हें सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं 2 लोगों के लापता होने की जानकारी मिलने पर उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। लाल सिंह तो कई लोग थे परिवार के, आप कह लोगे कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? कहाँ पर है ये? अच्छा, कहाँ जा रहे थे? अपने गांव बगिया नगरा जा रहे थे। तो क्या लोग डूबे हैं आप? हमारा तो एक लड़का डूबा है बस। अभी निकला नहीं है ना। क्या नाम है उनका? वो अमित नाम है उसका। अमित, उम्र क्या होगी? 2 साल है। तो यहाँ गोताखोर कर रहे हैं तलाश? कोई ना है। कोई ना यहाँ पे कभी? कोई नहीं है ना। कोई आए नहीं है? आए थे, 2-4 गोते लगा के चले गए आके वापस। अच्छा, आप लोग डूबे हैं, कै बजे की बात है? फिर कितनी देर तक पानी में रहे हैं आप लोग? क्या बजे तक पानी में रहे हैं आप लोग? किसने निकाला है फिर आपको? पता नहीं किसने। और लोग थे यहाँ पे। कितने क्या बजे निकले हैं, कुछ अंदाजा है आपको? घंटा तो हाल ही आज थोड़ी बात, आधा घंटा लग गया होगा पूरा निकालने में। अब कोई यहाँ इंतजाम दिख रहा है आपको, आपकी मदद का कुछ दिख रहा है क्या? अभी तो कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है, ऐसे ही बस।